नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है मीन राशि के लिए दिसंबर 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह के बारे में जो चल रहे हैं राशि से पंचम स्थान में, और गुरु महाराज की अपने अपने चंद्र के ऊपर दृष्टि है, जन्म के चंद्र के ऊपर, जिसके कारण नव पंचम गज के स्थिति बनता है, जिसके कारण मानसिक संतुलन प्रसन्नता में ये वृद्धि करने वाले हैं। बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में जो चलेंगे आपकी राशि के चंद्र के ऊपर से, जिसके कारण कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें और थोड़ा सा टेंशन कंफ्यूजन बनाए रखेंगे। खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। 16 दिसंबर तक सूर्य चलेंगे राशि से 9वें स्थान में, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण आपको अपने नेबर्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप में आपको तनाव ना आ जाए, उसका विशेष केयर करना है। शुक्र चलेंगे राशि से 10वें स्थान में, जो आपको करियर में वृद्धि करवाने वाले हैं, और 16 दिसंबर के बाद सूर्य चलेंगे राशि से 10वें स्थान में, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। और कर्म क्षेत्र में आपको नए नए कार्य के आयोजन करवाने वाले हैं। खास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 17, 18 और 19, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तुला के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में आपको विशेष केयर करना है। और डेट्स आपको केयर करना है 26 और 27, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में। कुंभ के चंद्र जो हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यदि आपके कोई मित्र हैं मीन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए। जो भी जातक का जन्मदिन इस मंथ के दौरान आता है उनको हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कॉमेंट्स करिए वीडियो पर, कॉमेंट्स करिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।